तो निकल गए हम मैगी पॉइंट के लिए। इससे जा रहे हमारे नगर निगम के कर्मचारी दिलीप सिंह रावत। पहुंच गए हम रॉक ऑन मैगी पॉइंट। यहाँ एक कवर करके बना दिया इन्होंने, तो यहाँ पे भी सिटिंग बहुत बना दी है इन्होंने अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा पानी आ गया इस बार। लास्ट ईयर तक यहाँ पे बैठ के हम लोग मैगी खाते थे, चाय पीते थे, जाड़ों में धूप सेकते थे। अभी वो पत्थर गायब हो गए जिन पर बैठ के हमने मैगी खाई। कुछ ऐसा भी हो गया अब यहाँ पे पत्थर थे बहुत सारे, गायब हो गए। आगे एक नया झरना सा दिख रहा है जिससे पानी आ रहा है, और पूरी ज्योग्राफी चेंज हो गई यहाँ पे। ये आधी हुई करती थी नदी, उस साइड नदी थी, इस साइड पूरा यहाँ पे पत्थर थे, बस यहाँ पे बैठते थे लोग, यहाँ पे भी पूरा बैठते थे। आगे तक यहाँ पे पूरा रेत था। तो ये रॉक ऑन मैगी पॉइंट है, अच्छा सा व्यू हुआ करता था यहाँ पे, अब वो सब बदल गया है। तो सुंदर से फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये कुछ आर्ट बना दी है, विंग्स बनाए हुए हैं, लेकिन बीच में पेड़ है। कुछ ये बनाया हुआ है, और साइकिलिंग करते हुए बंदा सुंदर लग रहा है। तो खाने को ले लिया हमने कुछ सामान, और बैठेंगे अब इस VIP टेबल पर। तो आ गई है मैगी और थोड़ा सैंडविच, इसको खा लेते हैं और उसके बाद जाएंगे हम ट्रैकिंग के लिए। और ये है वो बंदर जो मेरे सारे वीडियो डिसलाइक करता है और नीचे कमेंट करता है कि कौन है ये डिसलाइक करने वाला, तो इसको देख लो आप लोग ध्यान से। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए लमजाला की तरफ, जो यहाँ से 3 किलोमीटर आ गया है। तो एक ये नया मैगी पॉइंट खुल रहा है यहाँ पे, यहाँ से देख रहा है नीचे का व्यू बहुत अच्छा। तो वहाँ पे है नीचे रॉक ऑन मैगी पॉइंट, और वो नदी, बहुत ज़्यादा पानी है इस टाइम पे। और ये सुंदर सा नज़ारा यहाँ पर का। अभी ये भी जल्दी मैगी पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे भी भीड़ होगी, देखते हैं कब तक बनता है। ज़्यादा पानी है रोड में, और यहाँ पे भी रोड टूटी हुई है। ये तो हर जगह आज पानी ही पानी है यहाँ पे। यहाँ पे भी रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी की धाराएं निकली हुई हैं, जनरली हमने कभी देखा नहीं सकता पानी यहाँ पे। एक बहुत आगे जाके था यहाँ पे पानी का धारा, लेकिन आज पूरी रोड पे यहाँ पानी है। तो जंगल के बीच यहाँ पे सुंदर सा घर है एक, ये देखिए गाय भी है, मुर्गियाँ भी हैं। अभी चलते हैं हम आगे ट्रैकिंग के लिए। तो लमजाला के लिए जा रहे थे हम, यहाँ पर रोड टूटी हुई है रास्ते में, पूरी रोड हट गई है, आगे जाने लायक है नहीं, गाड़ी जाने लायक बिल्कुल, रास्ता ख़त्म हो गया है। तो यही था वो पानी का धारा जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा पानी आता है इसमें। अभी तो ये बिल्कुल नदी की तरह आ गया है, और पूरी रोड जो थी आगे हट गई है, यहाँ पर से पूरी रोड टूट गई है। तो ये देखिए पूरी डामर रोड थी यहाँ पर, यहाँ पर से पूरी रोड गायब हो गई है, और बीच में से पानी बह रहा है बहुत ज़्यादा। ऊपर से मलबा आया है, पानी भी बहुत ज़्यादा आया होगा, इतने बड़े बड़े बोल्डर आए हुए हैं, और नीचे को कुछ ऐसा हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर से रोड थी ये जो पूरी टूट गई है, यहाँ पर कनेक्ट होती थी ये, बीच में से पूरी रोड गायब हो गई है, बहुत ज़्यादा मलबा आया है ऊपर से, और बहुत पानी भी है अभी। तो हाल फिलहाल तो रोड बनना यहाँ पर मुश्किल ही है। तो शाम होने वाली है, हम निकल रहे हैं हम घर के लिए, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। से इन्होंने पेंटिंग भी बना दी है, आर्ट वगैरह। तो अभी पपीते का पेड़ उड़ेगा यहाँ पर।